लगता है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत रणनीति के साथ, रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। और आज की मीटिंग में गृह विभाग के मेरे साथी नित्यानंद जी, मुख्यमंत्री जी, उपमुख्यमंत्री जी, गृह सचिव, डीआईबी और भारत सरकार के सभी सीएपीएफ के डीजी उपस्थित थे। हम सबका मानना है कि ये वामपंथी उग्रवाद हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। विगत चार दशक में वामपंथी उग्रवाद के कारण करीब करीब 17,000 लोगों की जान गई है, 17,000 लोग, चाहे वो नक्सल आंदोलन से जुड़े हुए युवा हो, चाहे सीएपीएफ के जवान हो, चाहे आम नागरिक हो, 17,000 लोगों का जान इस समस्या के कारण गया है। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस समस्या को चैलेंज के